हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वीजे ब्लॉग्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि पंच फ्लॉप हो गई है, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब में स्क्रॉल मारते हैं पंच के रिगार्डिंग वीडियोस को, तो हमें पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस देखने को इसमें मिल जाते हैं। भर भर के लोगों ने बनाए हुए हैं पंच के रिगार्डिंग नेगेटिव वीडियोस। पंच में ये कमी है, पंच में वो कमी है, पंच ये है, पंच वो है, ओनर ये सच्चाई नहीं बताएगा, ओनर वो सच्चाई नहीं बताएगा। अब तो जो नए नए वीडियो जब देखने को मिल रहे हैं वो पंच फ्लॉप हो गई है, पंच में आपको पंच नहीं लेनी चाहिए, पंच लेने से पहले इसे देख लो, पंच लेने से पहले उसे देख लो, 1000 प्रकार के आपको वीडियोज नेगेटिव वीडियोज इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हमें सभी को पता है कि पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, दोनों प्रकार के पॉइंट हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे थे वो उसके रिगार्डिंग मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ था। और मोस्टली आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी इसके बायर्स होंगे और जो भी पंच अभी ओन कर रहे हैं, पंच चला रहे हैं, या जिन्होंने जेन्युइनली पंच के नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, तो उनमें लगभग सभी पॉइंट्स आपको सेम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो लोग ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, नहीं लेनी चाहिए, या पंच की ये कमी ओनर नहीं बताएगा, तो ओनर क्या नहीं बताएगा मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। और एक दो चीज़ें मैं और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक ओनर जो है ना, वो गाड़ी ख़रीदता है, उसको एक्सपीरियंस उसका लेता है, तब जाके अपने व्यूज़ को शेयर करता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सब मिडिल क्लास ही हैं, सभी की मनी जो है हार्डली, हम सभी अर्न करते हैं मनी को। तो यदि कोई प्रोडक्ट ख़राब है तो वो ख़राब है, लेकिन कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अच्छा है, तो उसको अच्छा ही बोलिए। किसी का मीन्स पैसा जो है ना वो बर्बाद करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। और काफ़ी तो ऐसे भी लोग हैं जो जाने क्यों इसके गाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं कि गाड़ी फ्लॉप हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब इसके अगर मैं सेल्स के आंकड़े बताऊंगा तो जब से लॉन्च हुई है अक्टूबर 2021 से मार्च तक के, क्योंकि अभी अप्रैल के जो आंकड़े हैं वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, मार्च तक के अगर आंकड़े मैं इसके बताऊंगा तो आश्चर्यचकित सभी लोग यहां पे होंगे। देखिए, अक्टूबर की अगर हम इसके सेल्स के आंकड़ों की बात करें तो 8453 यूनिट अक्टूबर 2021 में इसकी सेल हुई है, नवंबर 2021 में 6110 यूनिट सेल हुई है, दिसंबर में 8008 यूनिट सेल हुई है, जनवरी 2022 की बात करें तो 10027 यूनिट्स गाड़ी की सेल हुई है, फरवरी 2022 की बात करें तो 9592 यूनिट्स, यहाँ पे भी लगभग 10000 यूनिट्स आप कह सकते हैं सेल्स इसकी सेल हुई हैं। मार्च की अगर बात करें तो 10526 यूनिट्स के करीब सेल हुई हैं। तो जो 10000 गाड़ियाँ जिस प्रोडक्ट की बिक रही हैं हर महीने, उसको हम हेल गाड़ी कैसे कह सकते हैं, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। जबकि अभी प्रोडक्शन की बात करें ना, तो प्रोडक्शन जो है कि फुल स्विम में हो ही नहीं रहा है। अभी वेटिंग देखिए, 50000 से ऊपर ऑर्डर्स अभी लगे हुए हैं, लगभग 5 महीने 6 महीने में 50-60 हज़ार गाड़ियाँ जो है कि 50-60 हज़ार पंच सेल हो चुकी हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पंच फ्लॉप हो गई है या पंच फ्लॉप हो जाएगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गाड़ी की इतनी यूनिट्स सेल हो रही है वो कैसे फ्लॉप हो जाएगी। और अगर पंच की बात करें तो आज की डेट में इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो पंच के साथ कम्पीट कर सकती है। माइक्रो एसयूवी की कैटेगरी में तो मेरे ख्याल से वैसी भी कोई गाड़ी है नहीं, लेकिन जो इसके इस प्राइस सेगमेंट में आती है, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी इसे कम्पीट नहीं कर सकती है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था कि नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, सभी प्रोडक्ट्स में होते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बड़ा चढ़ा करके दिखाएं और प्रोडक्ट को डिफेम करने की कोशिश करें। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नेगेटिव वीडियोज बनाने वालों से दूर रहें। और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अगर पंच लेने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर एक बार टेस्ट ड्राइव लें, तब जाके अपना डिसीजन लें कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत ही जल्दी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।